ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जूही तोवर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली के कापसहेरा थाना इलाके से जनवरी में 12 साल की नाबालिग लड़की को किडनैप किया गया था। बता दें कि लड़की को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने से पहले आरोपियों ने उस पर काफी जुल्म किए, जिसमें सिगरेट से जगह जगह जलाने के साथ मारपीट भी की गई। यहां तक बच्ची को नशीली दवाइयां भी खिलाई गई। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब बच्ची को रेस्क्यू कराया गया तो वह पुलिस अधिकारियों से लिपट गई। आइए देखें ये पूरी रिपोर्ट। जी हां, आपको बता दें कि नाबालिग लड़की को ढूंढने के लिए एक टीम बनाई गई। पुलिस ने बच्ची के परिजनों से बात कर उनसे जानकारी जुटाकर उस स्पॉट पर पुलिस की टीम पहुंची, जहां से बच्ची किडनैप की गई थी। सीसीटीवी कैमरों की फोटेज चेक की गई तो दोनों किडनैपर लड़के लड़की का खुलासा हो गया, जहां बच्ची को किडनैप करके पहली बार ले जाया गया था। सीसीटीवी से आरोपियों की फोटेज मिलने के बाद पुलिस इनके सोशल मीडिया अकाउंट तक जा पहुंची। वहां से कुछ और जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बच्ची को मंजनू कटीला से बरामद कर लिया। साथ ही साथ चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि यहां नाबालिग लड़की को 14 जनवरी को लाया गया था, जबकि पुलिस के मुताबिक बच्ची के पिता ने 22 जनवरी को पुलिस में शिकायत की थी। पता लगा है कि किडनैपर्स की नज़र काफी दिनों से उस बच्ची पर थी और मौका मिलते ही उसे किडनैप कर लिया गया। उसे चार अन्य आरोपियों के हवाले किया गया। यहां बच्ची करीब 2 महीने तक रखी गई। वहीं किडनैपर इसी इलाके में एक्टिव रहे, लेकिन इस बीच बच्ची को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला जाता रहा। बच्ची को बरामद करने वाली टीम का कहना है कि उन्हें समय लगा, लेकिन बच्ची मिल गई। इसके साथ ही हाल फिलहाल में दिल्ली में जिस्म फरोशी का रैकेट चलाने वाला ये बड़ा गैंग हाथ लगा है। वेस्ट दिल्ली पुलिस ने बताया कि 150 व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दिल्ली और देश भर में स्कॉर्ट सर्विस देने वाले इस गैंग के लिंक का पता लगा। वहीं यह भी पता लगा कि दिल्ली में यह कई 5-स्टार होटलों और बजट होटलों में 3-4 दिनों के लिए कमरे बुक करा लेते थे, फिर वहां सेक्स रैकेट चलाया जाता था। कापसहेरा, महिपालपुर, नॉर्थ और सेंट्रल दिल्ली के कई होटलों और बजट होटलों के बारे में पता लगा है। वहीं पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ये मामला यहीं पर खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।